इश्तेहार ने राजनीति के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। जहां 10 दिन पहले तक इंडिया गठबंधन माना यह जा रहा था कि एनडीए के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश करेगा, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद अब इंडिया गठबंधन क्या पूरी तरह से धराशायी हो गया है। न्याय यात्रा राहुल गांधी की ओर से जरूर बिहार में प्रवेश करा दी गई है, लेकिन न्याय यात्रा के जरिए क्या कामयाबी उनको राजनीति के मैदान में भी मिलेगी, यह बड़ा सवाल यहां पर पैदा हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने दे दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। 11 सीटें सिर्फ इस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो तैयार दिखाई नहीं देती है। ममता बनर्जी ने अपनी राहें अलग कर ली है, तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए क्या बीजेपी एनडीए की राहें आसान होती हुई चली जा रही है, या फिर ये कहना अभी जल्दबाजी होगी और इंडिया गठबंधन में अभी दम बाकी है। कई ऐसे सवाल है जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि माना जा रहा है 15 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी जिन कमजोर सीटों पर उसके उम्मीदवार हार गए थे, जहां वो अभी मजबूत स्थिति में नहीं है, उनको लेकर पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है और वहां पर बड़ी और कड़ी तैयारी करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगातार लग गई है। यानी कि बीजेपी खेमे की ओर से की जा रही है बड़ी तैयारी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। दिल्ली की गद्दी के दंगल में गिनती के दिन बचे हैं और उसके ठीक पहले बीजेपी से मुकाबले का दम भर रहे विपक्ष को पहले बंगाल फिर बिहार से ऐसा झटका लगा है कि गठबंधन उबरता नहीं दिख रहा। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि न्याय यात्रा के जरिए वो मौसम पलटने का मादा रखती है। हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। और एक बार फिर जब बिहार की पिच पर इंडिया गठबंधन हिट विकेट हुआ है, तो न्याय यात्रा लेकर चल रही कांग्रेस नीतीश के उस सियासी अन्याय पर खार खाए बैठी है। उन्होंने पलटी के उस्ताद को कहा अभी एक और पलटी मारो, और उस पलटी के उस्ताद ने एक और पलटी मारा। ये तो बिल्कुल जुगलबंदी है। नीतीश कुमार जी तो मौसम वैज्ञानिक नहीं है, पर वो राजनीतिक गिरीट है। एक जमाने में जिनकी छवि हुआ करती थी वो सुशासन के प्रतीक है, आज सभी लोग कह रहे हैं वो आया कुमार गया कुमार पलटी के प्रतीक बन गए। वैसे बीच मझधार में गठबंधन की नाव छोड़ने वाले अकेले नीतीश कुमार नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी एकला चलने का ऐलान किया है और बंगाल से निकलते ही कांग्रेस की जबान तल्ख होने लगी है। पश्चिम बंगाल में थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम हुए हैं, हमारे पोस्टर फाड़े गए हैं, कुछ लोगों को मना किया गया आप मत जाओ। उत्तर भारत में गठबंधन के तीन बड़े घटक दल थे, ममता, नीतीश और अखिलेश। पहली ममता बनर्जी, दूसरे नीतीश कुमार और तीसरे अखिलेश यादव। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, अखिलेश यादव के 11 सीटों वाले ऑफर पर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। सीट शेयरिंग में ही देरी हो रही है और एक बुरा अनुभव है मध्य प्रदेश का या कैंसिलेशन का। उधर एनडीए के खेमे में युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारी जारी है। यूपी से बिहार तक बैठकों में निर्णायक फैसले हो रहे हैं। खबर है कि यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों पर बीजेपी 15 फरवरी तक प्रत्याशियों का ऐलान भी कर सकती है। इससे पहले यूपी में क्लस्टर प्रभारी बनाए जा चुके हैं। 31 जनवरी से लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय भी खुल जाएंगे और कुछ ऐसी ही तैयारी नीतीश कुमार ने बिहार में भी शुरू कर दी है। एनडीए गठबंधन को एकदम जिता देना है। अभी हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं, लोकसभा में 40 में 40 कैसे सीट मिले, इसके लिए सारे सांसद थे। नीतीश कुमार बीजेपी के संग मिलकर चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं और विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में लालू यादव से लेकर हेमंत सोरेन तक के खिलाफ ईडी की पूछताछ का हंटर चालू है। लालू यादव से पूछताछ हो चुकी है, तेजस्वी से बाकी है। हेमंत सोरेन को बड़ी मुश्किल से ईडी ने खोजा, अब उनकी बारी है। इस सूरत में एनडीए बनाम इंडिया के बीच कैसा चुनावी मुकाबला हो पाएगा, ये राजनीतिक दलों को ज्यादा बेहतर पता है। इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि जब गठबंधन का निकला दम, तो न्याय यात्रा से हो पाएगा परिवर्तन। आज तक ब्यूरो।